बेमेतरा जिले के नवागढ़ विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी एवं मंत्री गुरुद्र कुमार के काफिले पर हुए हमले को लेकर उन्होंने निर्वाचन आयोग, जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि मेरे साथ ये घटना हो सकती है तो मेरी माँ, बहन और पत्नी के ऊपर जान का खतरा है। गुरुद्र कुमार ने आरोप लगाया कि अगर मुझे या मेरे परिवार को कुछ भी हुआ तो जिम्मेदार पूरा प्रशासन होगा। मैं बिल्कुल बोलना चाहूंगा, चुनाव आयोग हो या प्रशासन हो, पुलिस विभाग हो या जो भी हो, जब मेरे साथ ये घटना हो सकती है तो मेरी माँ, मेरी बहन, मेरी वाइफ जो कि समाज की माता होती हैं, राजराजेश्वर होती हैं, अगर मेरे ऊपर ये सब हो सकता है तो पुलिस विभाग और चुनाव आयोग पे मैं आरोप लगा रहा हूँ कि हो सकता है अगर कुछ भी हुआ तो फिर जिम्मेदार ये लोग होंगे, पूरा प्रशासन। जी आप अच्छा अच्छा प्रश्न किए। कुछ दिनों पहले हमारे पापा की गाड़ी जब दौरे से वापस आ रहे थे तो एक गाड़ी कट मारी थी उनको गंदे तरीके से, और उनकी गाड़ी पूरी पलट गई थी और चारों चक्के ऊपर। उस समय हमें लगा कि शायद हादसा होगा, पर जो हमारे साथ हुआ, मतलब ये जानबूझ के किया जा रहा, हमारे पापा के साथ हुआ, अब हमारे साथ हुआ, मतलब हमारे परिवार के ऊपर जान का खतरा है।